तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां पर आने की? अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहां से, और दोबारा यहां आने का सोचना भी मत। घर है मेहमानों के साथ। सारिम भाई, आप नहीं जानते इन लोगों को, ये बहुत ही लालची, मतलबी और खुदगर्ज लोग हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस लालची भेड़िये से बचा लिया, वरना वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और आज उसी गलतफहमी को दूर करने आया हूं, और आप सबको यकीन दिलाने हो कि मैं सारा से सच्ची मोहब्बत करता था। मेरे नियत में खोट नहीं था, मुझे पैसों की कोई लालच नहीं थी सारा। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। तुम मेरी नजरों में इतना गिर चुके हो ना कि अब तुम जितनी मर्जी वजाहतें पेश कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम लोगों की असलियत मैं अपनी आंखों से देखकर आई थी, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। मॉम प्लीज, आप ही समझाएं सर। क्या समझाऊं, सारा कसूर तो मेरा ही है। रूमी सारा से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन एहसन साहब तैयार नहीं थे। फिर इन दोनों ने फैसला किया कोर्ट मैरिज करने का, और रूमी ने मुझसे कहा कि इसके फैसले में मैं इसका साथ दूं, लेकिन मैं राजी नहीं थी। मैं अपनी शौहर की मर्जी के खिलाफ इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती थी। फिर रूमी ने मुझे कायल करने के लिए मुझसे झूठ बोला कि सारा से शादी वो उसके पैसे के लिए करना चाहता है, और बदकिस्मती से सारा उस वक्त हमारे घर आ गई। उसने सारी बातें सुन ली और रूमी से मुतनफ़र हो गई। बेटा, रूमी तुमसे कल भी मुखलिस था और आज भी मुखलिस है, ठीक है? गलती की सज़ा मेरे बेटे को मत दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। रूमी को माफ़ कर दो और इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। शायद आप जानती नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। मुझे ये सब कहते हुए आपको शर्म आनी चाहिए।